झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पहली प्रत्याशी सूची आई थी सामने, उसके बाद आज दूसरी प्रत्याशी सूची भी है वो जारी कर दी है। करीब 20 लोगों की दूसरी सूची बहुजन समाज पार्टी की तरफ से वो जारी की गई है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष बहन मायावती जी के निर्देश पर केंद्रीय प्रभारी रामजी गौतम, गया चरण दिनकर जैसे कई प्रभारियों के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष राजेश रंजन मेहता के नेतृत्व में यहाँ पर आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ से दूसरी प्रत्याशी सूची है वो जारी की गई है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मिल रही जानकारी के अनुसार कोडरमा की सीट से प्रकाश अंबेडकर, बरखट्टा की सीट से सरयू प्रसाद, बरही से संतोष रविदास, हजारीबाग से अभिषेक कुमार, सिमरिया से रामावतार, चतरा से चंद्र कुमार और जमशेदपुर पूर्वी से आनंद कुमार पत्रलेख, तोरपा से सावित्री देवी, खूंटी से आलोक रितेश और इसी के साथ रांची से अभय प्रताप सिंह, मांडर से सुखमणि तिंगा, लोहरदगा से यशपाल भगत, लातेहार से प्रकाश कुमार रवि, डाल्टनगंज से अशोक प्रसाद चौसरिया और छतरपुर से चंचला देवी, हुसैनाबाद से कुशवा शिवपूजन मेहता और जरमुंडी से लाल मोहन राय, मांडू से सुशील कुमार महतो, गाड़े से कोशर आजाद और गिरडा से अंद्रुति मिश्रा को टिकट देकर मैदान में उतारा है, जहां पर कई सीटें ये प्रथम चरण के अंतर्गत आ रही है 17 और लास्ट की जो 3 है वो आपको बता दें कि द्वितीय चरण के अंतर्गत आने वाली सीटों के लिए प्रत्याशी सूची है वो जारी की गई। शेष सीटों के ऊपर बहुजन समाज पार्टी जल्दी अपने प्रत्याशी सूची है वो जारी करेगी। तो मैंने कल ही आपको ये जानकारी दी थी कि करब बहुजन समाज पार्टी के 50 से ज़्यादा प्रत्याशी है वो फाइनल हो चुके हैं और उनकी लिस्ट भी अब आपको बता दें कि आ चुकी है। पहली सूची में भी करीब 25 नाम है वो शामिल थे और 20 नाम अब सामने आ चुके हैं, तो कुल मिलाकर 46 है वो नाम होने को आए हैं। तो 50 से ज्यादा नाम अभी तक फाइनल हो चुके हैं। आगे की जो लिस्ट है वो जल्द ही जारी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से की जाए।